केंद्र सरकार द्वारा देश में एनसीआर और कैब कानून को लागू कराने के लिए भाजपा और इस कानून को गैर भाजपा शासित राज्यों में लागू न कराने के लिए कमर कस ली है। जबलपुर में मंगलवार को भाजपा ने एनसीआर और कैब कानून को मध्य प्रदेश में लागू कराने के लिए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा था। मंगलवार को ही मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग इस कानून के विरोध में जिला प्रशासन को ज्ञापन देने वाला था। जिला प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए मुस्लिम समुदाय को ज्ञापन सौंपने की अनुमति नहीं दी, बल्कि शाम को ही मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाकर आनंद फानंद में एक बैठक बुला ली। बैठक में जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि मध्य प्रदेश में एनसीआर और कैब लागू नहीं होगा। जिला प्रशासन के अधिकारी मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहे थे कि वो किसी के बहकावे में न आए। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि आप एक जगह और एक दिन तय कर लें ज्ञापन के लिए। इधर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि यहाँ पर एनसीआर और कैद लागू नहीं होगा, तो फिर क्यों इसे लागू करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। जबलपुर में शांति बनी रहे इसके लिए जिला प्रशासन पहल कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिस प्रकार से एनसीआर और कैब को लेकर सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैला रहे हैं, कानून और संविधान की गलत व्याख्या हो रही है, उसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। आज जो बैठक है, ये जो क्रांति फैली हुई है एनआरसी और कैब बिल के संबंध में, उसी संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। और इसको लेकर के लोगों के अंदर गलत अफवाह न फैले, व्हाट्सएप में और जो फेसबुक वगैरह में जो अफवाहें फैल रही हैं और कानून की कहीं ना कहीं गलत व्याख्या हो रही है और संविधान की गलत व्याख्या हो रही है, उसको लेकर के ये बैठक रखी गई है और उनको सही चीज़ें बतलाई जाएंगी। आज बैठक के संबंध में देखिए, आज जो बैठक रखी है कलेक्टर एसपी साहब ने तमाम लोगों को बुलाया, इसलिए गया है कि एनआरसी जो लगी है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने उसको स्वीकार नहीं किया है और न लागू की गई है। तो ऐसा है, उसी अंदर उसी संबंध में मीटिंग बुलाई गई है बड़े साहब ने, एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने, कि भाई यहाँ पर अगर किसी प्रकार की एनआरसी नहीं है तो आंदोलन भी नहीं होना चाहिए। मगर क्या है कि जनरली तौर से आंदोलन बहुत लोग विरोध कर रहे हैं और इस बात पर विरोध कर रहे हैं कि भाई एनआरसी खत्म है मध्य प्रदेश में, मगर जो मध्य प्रदेश के अंदर तो खत्म है, मगर जो केंद्र गवर्नमेंट ने आह्वान किया है उससे जो है हमारे कुछ हिंदू भाइयों का ये कहना है कि लागू होना चाहिए। तो ये एक ऐसा मसला टेढ़ा आ गया है कि जबलपुर की हम शांति बनाई जाए इस पर पहल की जा रही है, क्योंकि देखिए ना हम कहीं जाने वाले ना हमको कोई निकालने वाला है। हमारा मुल्क है और हम लोगों का ये मुल्क इसलिए है मुसलमानों का कि हमको जब आदेश हो रहा था जाने का, बंटवारा 47 हो रहा था, तो हमारे बाप दादों ने जो है हिंदुस्तान को ही अपना पूरा सब कुछ दिया और सब कुछ माना कि यही भूमि जो है हमारी सब कुछ है, हम यहीं पैदा हुए यहीं दफन हुए, और जिनको जाना था तो चले गए। आज पाकिस्तान के अंदर ये आलम है कि जो लोग गए हैं वो आज तक पाकिस्तान के अंदर सन्याती, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं उनको माजीन बोला जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान का गौरव है कि जो पाकिस्तान पे हमारे हिंदू भाई हैं वो शहरी हिंदुस्तानी हो गए, उनको माजीन नहीं कहा जाता है। तो ये हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के जो विपरीत जो मामला जा रहा है और जो केंद्र गवर्नमेंट ने उठाया है मामला, मैं किसी को बड़ा नहीं कहता, देश की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है सराहनीय, उससे हम 90 कहते हैं कि हाँ भाई सराहनीय है, मगर देश की एकता अखंडता ना खत्म हो इसके लिए हम लोग पूरी पहल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला गंगा जमनी तहजीब है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कहूँगा ख़त्म किए है, और दूसरे हमारे भाई कह रहे हैं लागू होने चाहिए। ये झड़ाई अगर होगी तो हम लोग भी जो है मुस्लिम नौजवान तबके को कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसा कि फेसबुक में चलता आ रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर पाबंदी होना चाहिए। हम जाएंगे कहाँ और हमको भेजाएगा कोई कहाँ,
ये देश हमारा सबका है, और जो अम्बेडकर जी ने कानून बनाया है, संविधान बनाया है, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हम रोडों पे निकलेंगे और प्रदर्शन करेंगे कि हमारा संविधान हिंदुस्तान का जो बना रहे, कायम रहे, और हम लोग उस पर अमल रहे, हर जात हर धर्म के लोगों को सम्मान का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ा हमारे देश का कानून है, बाकी सब कानून बाद में। इसी के साथ मैं सब लोगों को इस बात का अपील करता हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि जो चीज़ हमारे सामने आए नहीं उसका विरोध ना करें। और भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको लागू नहीं किया है तो आप भी उसको माने, और देश जबलपुर मध्य प्रदेश की एकता कायम दायम रखें, हमारी गंगा जमनी तहजीब रखें। यही मैं कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।